वही अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है, जहां नौकरी के लालच में गांव के एक व्यक्ति ने पीड़ित को मृत बता दिया। मामला जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पंचायत कटगोड़ी का है। बताया जा रहा है कि शिव प्रसाद, जिसकी नौकरी SECL बैकुंठपुर अंतर्गत कटकोना माइंस में लगी थी, कुछ दिनों बाद शिव प्रसाद की तबियत बिगड़ने लगी, जिसके चलते वह नौकरी में अनुपस्थित रहने लगा। पीड़ित शिव प्रसाद का कहना है कि इसी बीच गांव का ही व्यक्ति बागर साय उनकी जगह SECL में नौकरी करने लगा। जब बागर साय की मृत्यु हुई, तब बागर साय का लड़का संतोष अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी करने लगा। इस पूरे मामले की जानकारी कुछ पदस्थ SECL कर्मियों ने पीड़ित शिव प्रसाद को दी। साथ ही अब पीड़ित की बेटी अपने पिता को न्याय दिलाने 2023 से कार्यालयों में चक्कर काट रही है। बागर साईं के नाम पे नौकरी कर रहे थे, फिर बागर साईं डेथ हुए हैं तो उनके जगह मतलब बागर साईं शिव प्रसाद की ही नौकरी कर रहे थे, तो मतलब बागर साईं डेथ हुए हैं तो शिव प्रसाद का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के और बागर साईं का लेकर नौकरी कर रहा है। कितने वर्षों से जो है इनको मृत घोषित किया गया है? 2002 या 3 से उसका रिकॉर्ड बता रहा है कि 2 या 3 से नौकरी कर रहा है वो। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र इनका लगा के जिंदा है अभी। ये बेसिकली SECL का मामला है, और जैसा कि मेरे संज्ञान में यह है कि काफ़ी देर पहले जन चौपाल में एक आवेदन आया था और वो निश्चित रूप से ही SECL को मार्क हुआ होगा, और उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की है थोड़ा उससे हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि SECL के प्रबंधन के अंतर्गत उनके अपने जो रूल्स होते हैं उसमें क्या प्रावधान है नौकरी देने का, वो वही बता पाएंगे। तो हम इसका प्रयास करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस कारण से नहीं हो पाया, यदि इसमें कुछ भी गलत होगा तो हम SECL को निश्चित रूप से पत्र लिखेंगे।